Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Reedy College, University of Allahabad. And today I am going to discuss various national initiatives in the field of inclusive education. Okay, and it is a very useful topic and it must be beneficial for your competitive teaching examinations as well as for your regular examinations under BA, BEd and MA, MEd. So first of all, inclusive education है ना, हम लोगों ने बात कर ली है समावेशी शिक्षा पे, हम लोगों ने स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन की डिफरेंस पे बात कर ली है और हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली है इंक्लूसिव एजुकेशन पे. तो इससे हम ये जान गए हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन वॉज अडॉप्टेड एट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन एक्सेस एंड क्वालिटी सालामांका स्पेन 1994 and was rested at the World Education Forum Dakar, Senegal 2000. मतलब कि जो inclusive education का principle है, वो जो एक world conference हुई special needs education और उसकी access, उसकी पहुंच और गुणवत्ता पे जो स्पेन में 1994 में हुई, वहां से inclusive education का principle आया and was और इसको World Education Forum जो Dakar में हुई Senegal 2000 में, उसमें भी ये बात की गई. The idea of inclusion is further supported by the United Nations Standard Rules on Equalization of Opportunities for Persons with Disability, proclaiming participation and equality for all. यानी कि ये जो समावेशन का जो विचार था उसको फर्दर सपोर्ट मिला, एक यूनाइटेड नेशंस का स्टैंडर्ड रूल्स आया था इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो भी पर्संस हैं, जो व्यक्ति हैं जिनको कोई डिसेबिलिटी है उनके लिए भी अवसरों की समानता होनी चाहिए. और द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज UNCRPD के नाम से जानते हैं एंड इट्स ऑप्शनल प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड एट द UN हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क. दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिग्नेटरीज इन हिस्ट्री टू अ UN कन्वेंशन ऑन इट्स ओपनिंग डे. यानी कि यूनाइटेड नेशंस में होता रहता है, उसमें साइन करते हैं विभिन्न देश. जब साइन करने का मतलब होता है कि हम उन सिद्धांतों को मानते हैं, फिर वो अपने अपने देशों में उस तरीके का कार्यक्रम चलाते हैं. तो ये जो पर्टिकुलर कन्वेंशन था उसमें सबसे ज्यादा साइन हुआ उसके पहले दिन. और ऑफ लेट अ कंसेंसस हैज इमर्ज्ड अमंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स एंड पेडागॉग्स फॉर अडॉप्टिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इन मेनस्ट्रीम स्कूल्स. और फिर इसी के बाद जो है एक जनमत हमारे यहाँ भी निकल के आता है भारतीय बुद्धिजीवियों और शिक्षा शास्त्रियों के बीच में कि हमको इंक्लूसिव एजुकेशन को मेनस्ट्रीम स्कूलिंग में अपना लेना चाहिए. ठीक है, ये तो इसका बेसिक बैकग्राउंड रहा. अब शुरू करते हैं कि हमने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के, मतलब भारत की जो पॉलिसीज हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो कितना इंक्लूजन को सपोर्ट करते. तो हमारा तो जो प्रीएम्बल ही है जो 1949 में आ गया था, ये सारी बातों से पहले, वही कहता है कि एवरीवन हैज द राइट टू इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. एवरीवन जब वो प्रत्येक कह दे रहा है तो प्रत्येक में तो सभी आ जाएंगे, डिसेबल्ड भी आ जाएंगे. वो कह रहा है सबको समानता का और अवसरों की समानता का, स्टेटस की समानता का अधिकार है. उसी तरह से आर्टिकल 41 हमारा कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की इंडियन राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस इंक्लूडिंग डिसेबलमेंट, कि हमको काम करने का, शिक्षा का और पब्लिक असिस्टेंस का अधिकार है. फर्दर आर्टिकल 45 कमिट्स टू द प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स. हमारा जो आर्टिकल 45 कहता है कि सबको क्या मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी. तो जब वो सबको कहता है तो उस सबको में सभी आ जाते हैं. और यही जो इसका 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, उसने भी कहा था, उसने क्या कर दिया कि फंडामेंटल राइट ही बना दिया शिक्षा को, ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 60-14 इयर्स. तो ये जो ऑल है विद इट्स प्रीएम्बल क्लेरिफाइंग दैट ऑल इंक्लूड्स चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एज वेल, तो इन ऑल में डिसेबल्ड बच्चे भी आ जाते हैं. तो ये तो हमारी संवैधानिक एक सोच है जो इंक्लूजन को सपोर्ट करती है. और क्या किया गया है, कोठारी कमीशन देखिए जो 1964 में आया था, द प्लान ऑफ एक्शन क्रिएटेड बाय द कोठारी कमीशन इंक्लूडेड पीपल विद डिसेबिलिटीज. उस वक्त ही बात की गई थी कि डिसेबल्ड पीपल के लिए भी काम किया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेवर इम्प्लीमेंटेड इट. लेकिन ये इम्प्लीमेंट कभी नहीं हो पाया. ये क्या कहता था, वी नाउ टर्न टू द एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन. देखिए यहाँ हैंडीकैप इसलिए कहा जा रहा है कि उस वक्त तक इंक्लूसिव, दिव्यांगजन ये सब शब्द नहीं आए थे. वो कह रहा है कि हमको इनकी शिक्षा के लिए काम करना चाहिए. देयर एजुकेशन हैज टू बी ऑर्गेनाइज नॉट मियरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स ऑफ यूटिलिटी. वो कह रहा है, उस वक्त कह रहा है कोठारी कमीशन, कि इनकी शिक्षा जो है सिर्फ मानव, मतलब ह्यूमैनिटेरियन की उस पर नहीं, तर्ज पे नहीं
संगठित होनी चाहिए। प्रॉपर एजुकेशन जनरली इनेबल्स ए हैंडीकैप चाइल्ड टू ओवरकम लार्जली हिज और हर हैंडीकैप एंड मेक हिम टू यूजफुल सिटीजन। बल्कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो कि उस हैंडीकैपनेस जो उनके पास है उसको ओवरकम कर सकें, उसको दूर कर सकें और अपने आप को एक मतलब यूजफुल नागरिक की तरह बना सकें। सोशल जस्टिस ऑल्सो डिमांड्स इट ऑन एन ओवरऑल व्यू ऑफ द प्रॉब्लम। हाउएवर वी फील दैट एक्सपेरिमेंटेशन विद इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड एंड एवरी अटेम्प्ट शुड बी मेड टू ब्रिंग इन एज मेनी चिल्ड्रन इन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। और उस वक्त ये बात करता है कि हम कहते हैं मतलब कोठारी कमीशन ने कहा कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स और ज़्यादा चलाए जाने चाहिए और इस दिशा में काम करना चाहिए, लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फिर आया था हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन IEDC 1974 में। द मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर क्रिएटेड द इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्कीम इन 1974। यानी कि जो जन कल्याण का मंत्रालय था उसने 1974 में ये बनाया। क्या बनाया इस स्कीम में कि दिस स्कीम प्रोवाइडेड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। यानी कि इस स्कीम में ये कहा गया कि जितने भी बच्चे उनको कोई डिसेबिलिटी है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, उनको सहायता दी जाएगी, आर्थिक सहायता दी जाएगी। किस किस चीज़ के लिए? उनको किताबों के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, आने जाने के लिए, जितने भी उनको स्पेशल इक्विपमेंट और एड्स की जरूरत पड़ती है सबके लिए। विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग दीज एड्स टू इंक्लूड चिल्ड्रन इन मेन स्ट्रीम क्लासरूम। और उसका मतलब पर्पज़ क्या था कि इन जो एड्स हैं उनकी सहायता से इन बच्चों को मेन स्ट्रीम क्लासरूम में इंक्लूड किया जा सके। ठीक है, फिर आपका जो नेशनल पॉलिसी आती है 1986 में और उसका जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आता है वो क्या कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन पे। इट स्ट्रेसेस द नीड फॉर इंटीग्रेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स विद अदर ग्रुप्स। हम देखिए ये बातें कर चुके हैं, यहाँ पे हम सिर्फ इन टोटैलिटी बात कर रहे हैं। हमने आपसे NPE पे बात कर ली है, POA पे बात कर ली है, PWD पे बात कर ली है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। यहाँ पर हम सिर्फ इन टोटैलिटी देख रहे हैं, होलिस्टिकली देख रहे हैं कि कितने नेशनल इनिशिएटिव आज तक लिए गए हैं हिंदुस्तान में इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। तो ये पॉलिसी क्या कहती है कि जो ये इसने यही कहा था ना कि जो थोड़ी बहुत अगर डिसेबिलिटी है तो आप उसको नॉर्मल बच्चे के साथ ही पढ़ाइए, और थोड़ा सा ज़्यादा कहीं सीवियरिटी है तो आप स्पेशल एजुकेशन उनको दीजिए स्पेशल स्कूल्स में। इंटीग्रेट द फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप विद जनरल कम्युनिटी एज इक्वल पार्टनर्स टू प्रिपेयर देम फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड टू इनेबल देम देम होना चाहिए टू फेस लाइफ विद करेज एंड कॉन्फिडेंस। यानी कि साहस के संग, आत्मविश्वास के संग वो जीवन को का सामना कर सके। हमको उनको नॉर्मल ग्रोथ पर करना है नॉर्मल बच्चों के संग, अगर जो हैंडीकैपनेस है वो माइल्ड है तो। RCI पे भी बात हो गई है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो आया एक्ट 1992 में ये क्या कहता है कि जो 1992 वॉज ऑल्सो द ईयर, क्यों कह रहा है क्योंकि 1992 ही POA का भी ईयर है प्रोग्राम ऑफ एक्शन का। The RCI Act provided standards for rehabilitation professionals, यानी कि professionals जो भी पुनर्वास में काम कर रहे हैं उनके लिए ये standard provide करता है। One type of rehabilitation professional being special education teachers, है ना? In essence, the council and its act aims to regulate the quality of training of rehabilitation professionals. और इसका काम क्या है कि जो rehabilitation professionals हैं उनकी training की quality को regulate करना। फिर आपका आया था persons with यही PWD, Persons with Disabilities Act, Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation in 1995. इन सबको आप डिटेल में उन वीडियोज़ में देख लीजिए, है ना। यहाँ पे मैं सिर्फ एक साथ लेके चल रही हूँ। It strives to address all major aspects of the education sector that sector that pertains to students with disabilities. This act is supposed to provide. तो इस एक्ट में क्या कहा गया कि जो वो PWD है, जो persons with disabilities है उनको हम provide करेंगे क्या क्या? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, कोई भी आर्किटेक्चरल बैरियर यानी कि कोई स्कूल बिल्डिंग ऐसी है जिसमें उनको चढ़ने उतरने में कुछ इस तरीके की दिक्कत है उसको हटाया जाएगा, उनको फ्री बुक्स दी जाएंगी, उनको स्टडी मटेरियल फ्री में दिया जाएगा, उनको स्कॉलरशिप दीजिए, करिकुलम को रीस्ट्रक्चर कीजिए, एग्जामिनेशन सिस्टम को मॉडिफाई कीजिए जिससे कि जितने भी चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स हैं उनको लाभ मिले। ठीक है ना। फिर आपका एक नेशनल ट्रस्ट आया था फॉर वेलफेयर ऑफ पर्संस विद ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट, ये 1999 में आया था। ये क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, यानी कि जितने लोगों के संग ये दिक्कतें हैं उनका हम आर्थिक पुनर्वास कर सकें। These legislations have been instrumental in bringing about perceptive change in the attitudes of government NGOs and people with disabilities. तो इस तरीके के जो legislation आते हैं वो एकदम प्रभावपूर्ण तरीके से अपना role, अपनी छाप छोड़ते हैं और change आता है government और NGOs और लोगों के बारे में, लोगों का इन लोगों के बारे में perception में change आता है। एक program आया था आपका DPEP,
The government of India started collaborating with the UN, yani United Nations and World Bank, to put the People with Disabilities Act into action. यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूएन, देखिए जो यूनाइटेड नेशंस है, जो वर्ल्ड बैंक है, वो इस तरह के कामों के लिए फाइनेंशियल हेल्प करते हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके संग कोलैबोरेशन किया ताकि हम जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है उसको एक्शन में ला सकें. तो जो इससे एक इनिशिएटिव बॉर्न होता है वही डीपीईपी के नाम से जाना जाता है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम. और इसका गोल क्या था, एजुकेशन फॉर ऑल बाई द ईयर 2000, जो बार बार आ गया ईएफए, एजुकेशन फॉर ऑल. तो ऑल में फिर सब आ जाएंगे. फॉलोइंग द पीडब्ल्यूडी एक्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द इनिशिएटिव इंक्लूडेड टीचर ट्रेनिंग थ्रू द डायट्स, करिकुलम मॉडिफिकेशंस, रिसोर्स रूम, टीचर सपोर्ट एंड इंटीग्रेशन और इंक्लूजन. इतनी बात डीपीपी ने कही. फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान. देखिए सर्व शिक्षा अभियान जो आया था वो भी तो सर्व ना, जैसे ही वो ऑल कह रहा है, जैसे ही वो एवरीवन कह रहा है, जैसे ही वो सर्व कह रहा है, इसका मतलब कि उसमें डिसेबल्ड भी इंक्लूडेड है. SSA was launched to achieve the goal of universalization of elementary education, UEE के लिए लॉन्च किया गया था, यानी कि हम सब तक एलिमेंट्री एजुकेशन पहुंचा सकें. तो ये उसके तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे, वो कौन कौन से थे या हैं. एक्सेस, यानी कि सब बच्चों तक पहुंच हो, हम सबको इनरोल कर सकें और सबको धारण कर सकें, जितने भी बच्चे हिंदुस्तान में 6 से 14 साल तक के हैं. जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, यानी आपको किसी को भी रिजेक्ट नहीं करना है, ये अपनाई गई SSA के अंतर्गत, जिसमें कि आपके CWSN भी आते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड भी आते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द काइंड, कैटेगरी एंड डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी. ये फर्क नहीं पड़ता है कि उनको कितनी किस तरीके की डिसेबिलिटी है, इज प्रोवाइडेड मीनिंगफुल एंड क्वालिटी एजुकेशन, बल्कि हमको उनको अर्थपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी है. फिर आपका आता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान. देखिए यूईई की बात करते हैं तो सर्व शिक्षा अभियान, जब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं तो उसके लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, एम्ड एट एक्सपेंडिंग एंड इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दैट इज फ्रॉम क्लास 8th टू 10th. यानी कि अभी तक जिन बच्चों को आप प्राइमरी एजुकेशन दे रहे थे, उन्हीं को सेकेंडरी एजुकेशन भी सबको दीजिए. तो RMSA will work in line with revised scheme of inclusive education for the disabled at secondary stage. है ना, अब आ गया क्या IEDSS, यानी कि सिर्फ प्राइमरी को नहीं, हम सेकेंडरी स्टेज को भी कवर करेंगे. It ensures that every child with disability will be identified at secondary level and his or her educational needs will also be assessed and supplied learning material, aids and appliances, assistive devices, support services as per his or her requirement. यानी कि इन बच्चों की जो भी requirement है हम सेकेंडरी लेवल तक उसको आइडेंटिफाई करेंगे और सारी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे. ये माना गया, ये इनिशिएटिव दिया गया RMSA के तहत. फिर आपका आता है राइट टू एजुकेशन, जो 2009 में आ रहा है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू मेक अमेंडमेंट 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 टू 14 द राइट ऑफ फ्री अप्रोप्रिएट एंड कंपल्सरी एजुकेशन इनटू एन एक्ट. मतलब सबको मुफ्त, अनुकूलित और मतलब उचित और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी. 2005 में ये ड्राफ्ट कर दिया गया था, लेकिन ये इन पास 2009 में हुआ और 2010 से ये फुल इफेक्ट में आया है. तो ये भी क्या है, एक तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए तो इनिशिएटिव है ना. फिर आपका द एक्शन प्लान फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटीज, जिसको IECYD के नाम से जानते हैं. MHRD ड्राफ्टेड द एक्शन प्लान फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटीज. दिस एक्शन प्लान इनविजन्स, ये क्या देखता है, दैट ऑल चिल्ड्रन विद अ डिसेबिलिटी, कि जितने भी बच्चे हैं जिनको कोई डिसेबिलिटी है, आप उसको मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़िए. इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दिस, इन्होंने कहा कैसे करा जाएगा ये काम, तो गवर्नमेंट ने कोलेबोरेशन किया किसके किसके बीच में, रिहैबिलिटेशन काउंसिल है आपका, RCIE, NCTE, ताकि एडिक्वेट नंबर ऑफ टीचर्स जो है, पर्याप्त नंबर में शिक्षकों को हम ट्रेन कर सकें जिससे इंक्लूसिव एजुकेशन में, जिससे कि वो प्रॉपर फिजिकल एंड आइडियोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट इंक्लूजन इन स्कूल्स. कि आप सिर्फ कह दें कि हमको इंक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं कर लेंगे, आपको उसके लिए पूरा आर्किटेक्चरल बैरियर रिमूव करना पड़ेगा, आपको अपने टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको करिकुलम मॉडिफाई करना पड़ेगा, बहुत कुछ है ना. ICDS, आंगनवाड़ी वर्कर्स विल बी ट्रेन. देखिए आंगनवाड़ी वर्कर तक को ट्रेन किया गया है कि आप इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इन स्टूडेंट्स को. फिर आपका NCF 2005 आया, देखिए मैंने अलग से NCF की भी बात कर ली है, पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन, तो वही रिपीटेशन है यहाँ पे. पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन नीड्स टू बी इंप्लीमेंटेड इन ऑल स्कूल्स एंड थ्रू आउट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम. द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन नीड्स टू बी इंश्योर्ड इन ऑल स्फीयर्स ऑफ देयर लाइफ इन एंड आउटसाइड द स्कूल, है ना, कि हर बच्चे को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो विद्यालय के अंदर हो या विद्यालय के बाहर, हमको उसका पार्टिसिपेशन इंश्योर करना है. ओके, और स्कूल्स को ऐसे केंद्रों के रूप में विकसित होना है
कि जो डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आया है, जो विभिन्न विपरीत परिस्थितियों का बच्चा है, उसको सबसे ज्यादा लाभ मिल सके। उसी तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन एट दी डिसेबल्ड सेकेंडरी स्टेज, जो IEDSS की बात थी, उसी का फिर रिफॉर्म किया गया उसको 2008 में, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन के नाम से, और बनाया गया IEDSS। ये 1 अप्रैल 2009 से इफेक्ट में आया है, और इसमें क्या किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत हम रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, और एलिमेंट्री एजुकेशन को क्या करेंगे, सेकेंडरी स्टेज तक ले जाएंगे आगे। फिर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जब हम आपसे PWD डिस्कस कर रहे थे 1995 वाला, तभी हमने आपसे 2016 वाला भी डिस्कस कर लिया था कि क्योंकि भारत ने UNCRPD पे साइन किया है 2007 में, तो जो आपका PWD 1995 था वो अब RPWD हो गया है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। और जैसा कि PWD में 7 डिसेबिलिटीज की बात थी, उसी तरह से RPWD में किस डिसेबिलिटीज की बात है, और उन सब के क्योर की, उनके बेहतरी के लिए काम किया जाएगा इस एक्ट के तहत। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, NEP 2020। क्या NEP 2020 कहता है इंक्लूजन के लिए, मेरा वीडियो NEP 2020 पर भी है, स्पेशली फॉर इंक्लूजन, लेकिन फिर यहाँ चूंकि सब कुछ कवर हो रहा है इसलिए ये भी, कि ऑफ द मेनी थिंग्स दैट हैव कैप्चर्ड पब्लिक अटेंशन, वन थीम हैज बीन अराउंड द आइडिया ऑफ इंक्लूजन इन इक्विटी, यानी कि NEP 2020 में बहुत सारी बातें ऐसी की गई हैं जिन पर आपका ध्यान रुकता है जाके, उसी में से इंक्लूजन और इक्विटी भी है। ये क्या कहता है, इसने मार्जिनलाइज सेक्शन और इन सबको हटा के क्या किया है, इंटरकनेक्टेडनेस एंड मल्टी डायमेंशनैलिटी ऑफ दी साइड्स ऑफ एक्सक्लूजन, यानी कि जितने भी एक्सक्लूजन के पैमाने हो सकते थे सबको एक साथ ले आया और उसको नाम दे दिया SEDGs, यानी सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी कि इसमें सब तरीके की डिसेबिलिटी आ जाएगी, है ना। इसमें ये बात कर रहे हैं जेंडर पैरिटी की, इसमें ये बात कर रहे हैं जेंडर इंक्लूजन फंड की, इसमें ये बात कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे, जहाँ पे मतलब कोई दिक्कत है तो जोन वाइज माइक्रो प्लानिंग करके कि कहाँ क्या दिक्कत है उस हिसाब से हम उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करें। फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन गिवन टू स्कूल मॉडल सच एज मदर सास गुरुकुल एटसेट्रा, और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज की भी बात NEP 2020 में की गई है। तो ये रहा एक चित्र, एक बहाव, एक दिशा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से लेके NEP 2020 तक मिलती है हमको, कितने सारे काम, कितने सारे एक्ट, कितनी सारी पॉलिसीज बनाई गई हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन हम अपने सभी बच्चों को प्रोवाइड कर सकें, मतलब सबको इंक्लूड कर सकें, किसी को भी किसी भी बिना पे हम एक्सक्लूड ना करें। तो ये रहा आपका टोटल नेशनल इनिशिएटिव फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education. I have done from myself.